प्रदेश में सरकार चाहे भाजपा की रही हो या वर्तमान में कांग्रेस की हो, दोनों ने ही प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लाख दावे किए, लेकिन ये दावे खोखले साबित हुए। भ्रष्टाचार का चोला ओढ़े लोग हर सरकार के कार्यकाल में अपना हित कैसे भी साध ही लेते हैं। हम बात कर रहे हैं धार जिले के सरदारपुर क्षेत्र की, जहां सरपंच सचिव पर सीसी रोड निर्माण के नाम पर लाखों की राशि का फर्जी बिल लगाकर आहरण कर लिया गया। सरदारपुर तहसील की ग्राम पंचायत हातोड़ के वार्ड क्रमांक 14 में सीसी रोड निर्माण को लेकर पंचायत सरपंच सचिव रोजगार सहायक के द्वारा 9 माह पूर्व फर्जी बिल लगाकर राशि आहरण करने का मामला सामने आया है। जब स्थानीय शिकायतकर्ता सुखराम पटेल ने मामला उठाया तो सरपंच सचिव ने आचार संहिता के दौरान ताबड़तोड़ कार्य शुरू कर दिया, जबकि ऑनलाइन रोड निर्माण पूर्ण बताकर 9 महीने पहले ही लाखों रुपए की राशि आहरण कर ली गई। जो रोड भी तैयार किया गया था वो भी इतना घटिया कि कुछ दिनों में ही उखड़ गया। सुखराम पिता गंगाराम के घर से अंबाराम पिता हरि सिंह के घर तक 5 लाख का सुकत हुआ है। ये सीसी रोड इसमें मतलब 2018 में पैसे निकल चुके हैं। कितने रुपए निकले इसके? इसके 5 लाख रुपए। कैसे निकाले इन्होंने? फर्जी तरीके से निकाल लिए, बिल लगा के और ये रोड ताबड़तोड़ बनाया। इसका निर्माण कब करा इन्होंने? ये 3 महीने पहले। 3 महीने पहले? हाँ। मतलब राशि 9 महीने पहले? हाँ, पहले निकाल ली। हाँ। और इसके बाद इन्होंने रोड बनाया। हाँ। वो रोड ऐसा बनाया गया मतलब सीमेंट नहीं लगी। वही जनपद सीईओ केके उइके ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, मुझे इसको ये काम संज्ञान में लाया है और इसको मैं गुणवत्ता और जो मूल्यांकन इसको चेक करके जो भी दोषी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। पूरी फाइल को परीक्षण करूँगा, क्योंकि इसमें ग्राम पंचायत एजेंसी है और ग्राम पंचायत इसको अधिकार होते हैं, तो इनके फाइल को मैं पूरा देखूँगा। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। सरदारपुर से कमल सिरवी की रिपोर्ट।